हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, मैं आपके हिंदी की टीचर उपस्थित हूँ आपके सामने आपको हिंदी पढ़ाने के लिए। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द, यानी ऐसे शब्द जो सुनने में देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। ठीक है बेटा, कुछ शब्द ऐसा होता है जो उच्चारण में तो बिल्कुल हमें एक जैसे लगते हैं, जैसे हम जब उनको बोलते हैं तो सुनने में बोलने में वो एक जैसे लगते हैं लेकिन उसका अर्थ अलग होता है। ऐसे शब्दों को हम समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, और इसी का एक दूसरा नाम है, यानी इसको समरूपी भिन्नार्थक शब्द के अलावा इसे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी कहा जा सकता है। ठीक है, हम आज की इस वीडियो में समरूपी भिन्नार्थक शब्दों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, सेंटेंस को इजीली पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि समरूपी भिन्नार्थक शब्द होते क्या हैं। देखिए, लुक एट दिस साइड स्टूडेंट्स, आई होप सभी बच्चों ने अपनी अपनी बुक ओपन कर ली है। देखिए बच्चों, आपकी बुक में पेज नंबर 57 आपको ओपन करना है। देखिए, आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चों, और हमें फोकस करना है रेड कलर का जो हमें शब्द दिया गया है उस पे। ठीक है, आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं, यानी आसमान मतलब आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। तारों के आकार असमान है, असमान यानी एक जैसा अर्थ नहीं, एक जैसा आकार उनका नहीं है। ठीक है, तारों के जो आकार है वो असमान है, यानी उनके समान उनका आकार नहीं है, यानी कोई तारा हमें दिखने में छोटा लग रहा है तो कोई बड़ा दिख रहा है। ठीक है, अर्थात कुछ तारे छोटे हैं और कुछ तारे बड़े। इन वाक्यों में आए आसमान और असमान शब्दों पर ध्यान दीजिए, यानी ये जो हमारे सामने दो सेंटेंस थे जिसमें आसमान और असमान दो शब्द दिए गए हैं, उन्हें हमें ध्यान से देखना है। पढ़ते समय आपने इनके उच्चारण में कुछ कुछ अंतर पाया होगा और कुछ कुछ समानता भी, यानी जब हमने इनका उच्चारण किया तो हमने क्या देखा बच्चों, देखो इसमें भी लास्ट में क्या दिया गया है, स मा ने समान, और यहाँ भी क्या दिया गया है, समान, और आगे क्या है बच्चों, यहाँ पर ए है और यहाँ पर आ है। ठीक है, यहाँ हमने कुछ तो इसके अंदर समानता देखी है और कुछ असमानता देखी है। अब इनका अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। अब हमें इनका अर्थ समझना है कि दोनों जो ये शब्द थे ये दिखने में सुनने में तो एक जैसे लग रहे थे लेकिन इनका जो अर्थ होता है वो अलग अलग होता है। देखिए बच्चों, आसमान, और आसमान का क्या मतलब होता है, आसमान का मतलब होता है आकाश। नेक्स्ट है असमान, और असमान का क्या अर्थ होता है बच्चों, जो एक जैसा न हो। अब बात करते हैं डेफिनेशन की, कुछ शब्दों का उच्चारण लगभग एक जैसा होता है। इसका मतलब जब हम कुछ शब्दों का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने में यानी बोलने पर वो हमें एक जैसे लगते लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। मतलब बोलते हैं उसका उच्चारण करते हैं तब तो हमें एक जैसे लगते हैं लेकिन उन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है, उनका मतलब अलग अलग होता है, उन्हें समरूपी भिन्नार्थक या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। देखिए बच्चों, अभी अभी मैंने आपको बताया कि इसे हम समरूपी भिन्नार्थक शब्द या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द दोनों नाम से जान सकते हैं, यानी आपसे ये भी पूछा जा सकता है समरूपी भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं, किसे कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अब देखिए बच्चों, नाम से ही कंफर्म है, श्रुति मतलब सुनने में, सम मतलब समान, भिन्न मतलब अलग, और अर्थ मतलब मतलब, यानी जो सुनने में तो समान लगते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग होते हैं। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, समरूपी भिन्नार्थक शब्दों के कुछ अन्य उदाहरण देखिए। दिन, अब दिन देखिए बच्चों, दिन में कौन सी मात्रा है, छोटी की मात्रा, तो हम इसे क्या, इसका उच्चारण क्या करेंगे, दिन। दिन का मतलब क्या होता है, दिवस, और एक होता है दीन, यानी इसमें मात्रा कौन सी है बच्चों, बड़ी की, और इसका मतलब होता है गरीब। केशव एक दीन बालक है, वह मन लगाकर पढ़ता है, वह एक दिन
बड़ा आदमी बनना चाहता है। अब जो ये दीन लिखा हुआ है बच्चों, इस दीन का मतलब होता है गरीब, यानी केशव एक गरीब बालक है। वह मन लगाकर पढ़ता है। वह एक दिन, दिन का मतलब एक डे, ठीक है, जिसे इंग्लिश में डे बोलते हैं या हिंदी में हम हिंदी की बात करें तो हम उसे दिवस बोलते हैं, ठीक है। वह एक दिन बड़ा आदमी बनना चाहता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए बच्चों। यहां देखिए समान, और समान का मतलब क्या होता है बच्चों? समान का मतलब होता है बराबर, और एक होता है बच्चों सामान, और सामान का मतलब होता है वस्तु, यानी कोई भी चीज। अब सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो बच्चों देखिए, बाहर कुछ सामान रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि बाहर यानी घर के बाहर या कहीं पर बाहर कुछ सामान रखा है, यानी बाहर कुछ वस्तु रखी है। उन्हें सामान भागों में बांटकर थैलियों में भर दो। यानी अब जो सामान लिखा हुआ है, उस सामान का मतलब है उसे बराबर भागों में बांटकर, यानी वो उनकी बराबर बराबर मात्रा में उन्हें बांटकर उनको क्या करना है, उन्हें अलग अलग थैलियों में भर देना है, ठीक है। अब यहाँ सामान का मतलब क्या था बच्चों? वस्तु यानी कोई भी चीज, और यहाँ सामान का मतलब क्या हुआ? बराबर, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों उपकार, और उपकार का मतलब होता है भलाई, ठीक है, और एक होता है बच्चों अपकार। अब देखिए दोनों शब्द सुनने में, इनके उच्चारण में एक जैसा लग रहे हैं। अपकार का मतलब होता है बुराई, लोगों का अपकार करना गलत बात है, ठीक है, यानी लोगों की जब हम बुराई करते हैं तो ये गलत बात होती है, लोगों का अपकार करना गलत बात है। उनका उपकार करोगे तो पुण्य मिलेगा, यानी उनकी भलाई करोगे, उनके भलाई के लिए कोई काम करोगे तो उससे आपको क्या मिलेगा? उससे आपको पुण्य मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, समरूपी भिन्नार्थक शब्दों के कुछ जोड़े और उनके अर्थ यहाँ दिए जा रहे हैं। यानी अब आपके सामने देखिए बच्चों, अब आपके सामने कुछ भिन्नार्थक शब्द दिए गए हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं बट उनका अर्थ अलग अलग होता है, ठीक है। हम एक बार इसका रिविजन कर लेते हैं। देखिए बच्चों, अनल, अनल का मतलब होता है आग, और अनिल, अनिल का मतलब क्या होता है? वायु यानी हवा। अन्न, अन्न का मतलब होता है अनाज, और अन्य का मतलब होता है दूसरा। कुल, कुल का मतलब होता है वंश, और कूल, कूल का मतलब होता है बच्चों किनारा। चीर, चीर का मतलब होता है पुराना, और चीर का मतलब होता है वस्त्र। तरंग, तरंग का मतलब होता है लहर, और तुरंग का मतलब होता है घोड़ा। निधन, निधन का मतलब होता है मृत्यु यानी डेथ, और एक होता है बच्चों निर्धन, निर्धन का मतलब होता है गरीब। नेक्स्ट देखिए बच्चों, निश्चित, और निश्चित का अर्थ क्या होता है? पक्का, और ये है बच्चों नीचे निश्चिंत, और निश्चिंत का मतलब होता है चिंता रहित यानी बिना टेंशन के, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों नीर, नीर का मतलब होता है पानी, और नीड, नीड का मतलब होता है बच्चों घोंसला। नेक्स्ट है बच्चों पानी, पानी का मतलब होता है हाथ, और ये है बच्चों पानी, पानी का मतलब होता है जल यानी वाटर। नेक्स्ट है बच्चों बदन, बदन का मतलब होता है शरीर, वदन, वदन का मतलब होता है बेटा मुख। नेक्स्ट है बाहर, बाहर का मतलब होता है जो अंदर न हो, और एक होता है बहार, जैसे हम बोलते हैं बाग में फूलों की बहार आई हुई है यानी रौनक। नेक्स्ट है बच्चों मूल्य, मूल्य का मतलब होता है कीमत, और एक होता है बच्चों मूल, मूल का मतलब होता है जड़। एक होता है बच्चों सुत, सुत का मतलब होता है बेटा, और एक होता है सूत, सूत का मतलब होता है बच्चों धागा। नेक्स्ट है अवधि, अवधि का मतलब होता है समय यानी टाइम, और एक होता है अवधि, अवधि एक हो भाषा का नाम है, ठीक है। और बच्चों आपको क्या करना है, आप इसको, आपको ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है, समझना है, और आपको जितने भी ये शब्द दिए गए हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, आपको ये लर्न भी करने हैं और इन्हें अपने नोटबुक में राइट भी करना है। ओके बच्चों, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।